नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। देश को जवाब दो, आप देख रहे हो देश को जवाब दो। मैं आज सवाल दिल्ली के सांसों से जुड़ा हुआ। सवाल यह कि क्या जमाखोरी की वजह से दिल्ली में लोगों की सांस टूट रही है? क्या सत्ता में बैठे सौदागरों ने सांसों के खेल को और ज्यादा बड़ा बना दिया है, जिसके चलते लोगों को जान गंवानी पड़ रही है और ऑक्सीजन खत्म होने का क्या फर्जी माहौल बनाया गया? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 19,832 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए और 341 लोगों की मौत हो गई। ये 24 घंटे का हाल नहीं, बल्कि पिछले एक महीने से करीब करीब दिल्ली की यही स्थिति है। एक तरफ तो दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाती है, दूसरी तरफ सरकार के कुछ करीबी उसकी नाक के नीचे ही ऑक्सीजन की जमाखोरी करते हैं, उसकी कालाबाजारी करते हैं। एक नाम इमरान हुसैन का है, कारोबारी नवनीत कालरा भी इन्हीं नामों में शुमार है। सब देश और दिल्ली के सामने आ चुका है। अब तो मामले में अंडरवर्ल्ड तक की मिलीभगत के सुराग मिल चुके हैं। लंदन और चीन से इसे अंजाम दिया जा रहा था। दिल्ली के सांसों का सौदा और दिल्ली के रखवालों की नाक के नीचे यह सौदेबाजी चलती रही और उस पर लगाम नहीं लग पाई। आज देश को जवाब दो में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीएम की नाक के नीचे कैसे ऑक्सीजन की चोरी का खेल चलता रहा। देश को इस पर जवाब देना होगा। बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के सवाल पर नजर डालिए। सबसे पहला सवाल और बड़ा सवाल, ऑक्सीजन की चोरी में सत्ता की मिलीभगत है क्या? क्योंकि सत्ता के नुमाइंदे इसमें शामिल है। अगले सवाल पर नजर डालिए, ऑक्सीजन की चोरी पर लगाम आखिर क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि दिल्ली में सब कुछ चलता रहा, मुख्यमंत्री 24 घंटे कोविड के लिए काम करते रहे, लेकिन उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था, उन्हें पता नहीं चल पाया। सवाल यह भी कि ऑक्सीजन का मुद्दा आखिर कोर्ट तक जब पहुंचा तो क्या इसकी संजीदगी नहीं समझी गई? क्योंकि कोर्ट में तो मुद्दा उठाया जा रहा था, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन थी, उसकी कालाबाजारी हो रही थी, यह सरकार को पता नहीं चल पाया। सवाल यह भी कि ऑक्सीजन की कमी पर क्या राजनीति हो रही है, और राजनीति हो रही है तो क्यों हो रही है? सवाल यह भी कि इमरान हुसैन, नवनीत कालरा किसके दम पर ऑक्सीजन की जमाखोरी कर रहे थे, उनकी सप्लाई चेन कहां से थी और कहां वो सप्लाई करते थे, ये भी बड़े सवाल है और इन्हीं सवालों पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर जान लीजिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्कैम के तार लंदन से जुड़े हुए हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, चीन से लाए गए कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी नवनीत कालरा करता था। सूत्र बता रहे हैं लंदन के कारोबारी के साथ कालाबाजारी ये करता था। कालाबाजारी के तार लंदन के अलावा कई देशों से जुड़े हुए हैं और ऐसे में कितना बड़ा ये रैकेट हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मौत आई तो रोकी ऑक्सीजन सप्लाई, दिल्ली में हो रहा मुर्दा बनाने का धंधा। सीएम की नाक के नीचे ऑक्सीजन चोरी, इन दो चेहरों को ध्यान से देखिए। एक दिल्ली सरकार में मंत्री है इमरान हुसैन और दूसरे दिल्ली सीएम के करीबी बताए जा रहे नवनीत कालरा। इन दोनों पर ऑक्सीजन की जमाखोरी का आरोप लगा है। इमरान हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सोमवार तक अदालत में जवाब दाखिल करने को कहा है, तो वहीं नवनीत कालरा के ठिकानों पर छापामारी कर दिल्ली पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। इमरान हुसैन तो चलो ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी कर अपने इलाके में बांट रहे थे, लेकिन नवनीत कालरा तो पैसों के लिए, सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 4 गुने महंगे दामों पर अंडरवर्ल्ड की मदद से बेच रहा था। उसने तो दिल्ली से लेकर लंदन तक पूरा काला कारोबार फैला रखा था और बेखौफ दिल्ली में उसकी सौदेबाजी कर रहा था। I have 2 lakh calls to attend, so I won't be able to answer each and everybody's personal questions. मैंने सारी डिटेल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज में भेजी हुई है, कौन सा मॉडल है, क्या है। एक मशीन पर पर्सन मैं खान मार्केट वालों को दे सकता हूं उनके घर की यूज के लिए, और अगर किसी को भी चाहिए तो पेमेंट डिटेल्स मेरे पास मैक्सिमम तो मैक्सिमम 3 बजे तक भेज देंगे, तो वो मशीन ब्लॉक्ड होंगी। 3 बजे के बाद मेरी मशीन सारी खत्म हो गई है, तो मैं खान मार्केट फ्रेंड्स को भी नहीं अलॉट कर पाऊंगा। सो प्लीज हेयर दिस मैसेज एंड डोंट सेंड मी कॉल्स और फॉरवर्ड, बिकॉज आई हैव टू मच प्रेशर ऑन मी। एक तरफ कोर्ट में दिल्ली सरकार ऑक्सीजन का रोना रो रही है, दूसरी तरफ उसकी ताकत का फायदा उठाकर उसके ही करीबी दिल्ली को मुर्दा बनाने का धंधा चला रहे हैं। तो सवाल बड़ा है कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ऑक्सीजन की चोरी हो रही और उन्हें कुछ क्यों नहीं पता? देश को जवाब दो। देश को जवाब दो में सवाल जो हमने आज आपके सामने रखे हैं वो बड़े सवाल हैं, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है ये पूरा देश देख रहा है।
लेकिन जिस ऑक्सीजन के लिए दिल्ली सरकार दर दर भटक रही थी, जिस ऑक्सीजन के लिए आप या आप जैसे कई लोग दर दर भटक रहे थे, वो ऑक्सीजन दिल्ली में ही थी लेकिन लोगों को नहीं मिल पा रही। तो जरा सोचिए कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कालाबाजारी होती रही और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मौजूदा सरकार या फिर जो उसके लिए जिम्मेदार है, जो मौजूदा सिस्टम है, उसने क्या किया। ये सवाल हम पूछेंगे जरूर, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि मामला क्या है। आपको सीधे ब्रेकिंग सेंटर लिए चलते हैं, जहां हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ जुड़ गए। दीपिका, प्लीज आप समझाइए विस्तार से किस तरीके से ये ऑक्सीजन की कालाबाजारी का खेल चल रहा था। अनुराग, देखिए ये खेल चल रहा था और वो लोग जो ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, अस्पताल में लाखों का बिल चुका रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा और दुखदायी खबर है। दरअसल राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे थे। दिल्ली के कई नाम गिरामी रेस्टोरेंट में छापा मारकर पुलिस ने 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। गुरुवार को पुलिस ने लोधी कॉलोनी स्थित नेगुजू रेस्टोरेंट में छापा मारा और इस रेस्टोरेंट का देखिए मालिक जो है वो नवनीत कालरा है। और इसके बाद शुक्रवार दिल्ली के पौश इलाके खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट पर भी पुलिस ने छापेमारी कर कई कंसंट्रेटर्स जो हैं उसे जब्त कर लिया। और इस पूरे गोरख धंधे में नवनीत कालरा को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पुलिस नवनीत कालरा की तलाश कर रही है और इस मामले के तार लंदन से भी जुड़े होने की बात अब सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक लंदन में बैठा गगन दुग्गल ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी करने का प्लान बनाया और इसके बाद नवनीत कालरा के में रख करके इन कंसंट्रेटर को बेचा जा रहा था। यह तस्वीर आप देखिए और इसे समझने की कोशिश करिए। हांगकांग से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आता है और उसकी कीमत भी तय होती है 5 लीटर की 16,000 और 9 लीटर की 20,000। लेकिन यहां पर जब ये रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, उसके बाद जब इसकी सप्लाई शुरू होती है, इसकी कीमत अचानक से बढ़ जाती है। आपको 70 से 80 हजार रुपए में यह ऑक्सीजन बेचा जाता है, जिसको लेकर के आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अस्पतालों में लाखों का बिल चुका रहे हैं और यहां पर कालाबाजारी हो रही है। लेकिन देखिए, दिल्ली पुलिस या फिर दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई गंभीर जांच शुरू हो जाए ऐसी खबर अभी तक नहीं मिली है। हांगकांग से ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए हैं, आरोपियों को देखिए किस तरीके से 5 लीटर 16,000 और 9 लीटर 20,000 में बेचा जा रहा है। अनुराग, बिल्कुल दीपिका, तो ये दरअसल आपने वो हायरार्की समझाई, ये पूरी सप्लाई चेन समझाई कि कहां से आ रहा था, कहां से कालाबाजारी कहां को की जा रही थी। लेकिन जान गंवाने वाला व्यक्ति कौन है? वो दिल्लीवासी है, वो आम व्यक्ति है और यही समझने की जरूरत है कि आखिर इसके लिए किया क्या गया, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, चाहे वो उनके सिस्टम के स्तर पर हो। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इमरान हुसैन की गिरफ्तारी की मांग की। इमरान हुसैन की गिरफ्तारी और कपिल मिश्रा ये मांग कर रहे हैं, केजरीवाल के मंत्री के घर 600 सिलेंडर, इस पर सवाल उठा रहे कपिल मिश्रा। सीएम केजरीवाल और मंत्रियों के घर की तलाशी हो, कपिल मिश्रा ने यह मांग की है। दिल्ली में लोगों की मौत की साजिश रची गई, दिल्ली में ऑक्सीजन वाली साजिश की जांच की जाए। कपिल मिश्रा ने ये तमाम मांगे आरोप लगाते हुए रखी है। ऐसे समय में जब तो एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोगों की सड़कों पे मौत हो रही है, अस्पतालों के दरवाजों पे लोग खड़े हैं, ढूंढ रहे हैं किसी तरह से कि ऑक्सीजन मिल जाए। बिना ऑक्सीजन दिल्ली में कितनी मौतें हो गई, हजारों हजारों मौतें हो गई हैं। कब्रिस्तान और शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण इतनी मौतें हुई हैं। और दूसरी तरफ मंत्री के घर में 630 ऑक्सीजन के सिलेंडर छिपा कर रखे गए हैं। सरकार का मंत्री खुद वहां पर होर्डिंग कर रहा है सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं। तो ये 630 लोगों की मौतों की जिम्मेदारी सीधे सीधे इस एक आदमी पे नहीं आएगी क्या? क्या ये हत्या नहीं है? क्या इसे सोची समझी साजिश से मर्डर नहीं कहा जाएगा सैकड़ों लोगों का? कितनी जाने बच जाती उन सिलेंडर से जो केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन के घर पे रखे गए हैं, या फिर वो नवनीत कालरा जिसके रेस्टोरेंट में 550 सिलेंडर मिल रहे हैं, वो नवनीत कालरा, उसको अभी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के निर्माता का अवार्ड दिया था। यानी सरकार चलाने वाले लोगों के, खास लोगों के, उनके घरों में हजार से ज्यादा सिलेंडर रखे थे, जब एक एक सिलेंडर के लिए सड़कों पे मौतें हो रही हैं। इसको साजिश ना माना जाए, इसको हत्या ना माना जाए। मैं दिल्ली पुलिस से, कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं, इमरान हुसैन को तुरंत जेल में डाला जाए और जांच की जाए। दिल्ली में जो इतनी मौतें हुई हैं, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है? ये दिल्ली को, देश को हिलाने की, बर्बाद करने की, लोगों के मरने के बाद गंदी राजनीति की। और जिस आदमी के घर पे इतने सिलेंडर मिले हैं, उस आदमी की जगह जेल है, जेल के अलावा कुछ नहीं है, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। दिल्ली पुलिस को इमरान हुसैन को गिरफ्तार करना चाहिए, दिल्ली पुलिस को केजरीवाल हो या कोई भी मंत्री हो, इन सबके घरों की और बंगलों की तलाशी लेनी चाहिए। ना जाने कितने सिलेंडर और छुपा के इनके घरों में रखे गए होंगे।
मुझे लगता है दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन ले, अभी तक भी इमरान हुसैन की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये चिंता का विषय है।